आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि मीटर में कोई छेड़छाड़ किए बिना कैसे बिजली बिल को कम किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का इंडक्टिव लोड कनेक्ट हो, जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन या सीलिंग फ़ोन, जिसमें किसी भी प्रकार की वाइंडिंग हो, यह उपकरण आपके घर में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। दोस्तों, हमारे घर में इसी प्रकार से कनेक्शन होता है। मीटर के इनपुट में दो वायर कनेक्ट रहते हैं और मीटर के आउटपुट में दो वायर कनेक्ट रहते हैं, जो MCB के इनपुट से कनेक्ट रहते हैं, और MCB के आउटपुट में जो भी हमारे घर का लोड है वो कनेक्ट रहता है। जैसे MCB को ऑन करेंगे तो हमारे बोर्ड में पावर आ गया, मतलब मीटर पर लोड आ गया। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो ये लाइट ब्लिंकिंग करेगा। देखिए इस तरीके से हमारा लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। जैसे दूसरा लाइट लगाएंगे इसमें, देखिए अभी थोड़ी देर में ये ब्लिंकिंग हो रहा है। जैसे इस लाइट को लगाएंगे, देखिए जैसे इस लाइट को कनेक्ट किया तो ये जल्दी जल्दी ब्लिंकिंग होने लगा। देखिए ये जल्दी जल्दी ब्लिंकिंग होने लगा, दिख रहा होगा आपको। जैसे ये स्विच को ऑफ करेंगे तो ये थोड़ी देर में ब्लिंकिंग हो रहा है। तो दोस्तों, ये 3200 बार ब्लिंकिंग करेगा तो हमारा एक यूनिट बनेगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारा पावर कंजप्शन होता है। दोस्तों, आप मीटर को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो इंडक्टिव लोड की मैं बात कर रहा था, तो इंडक्टिव लोड मेरे पास अभी ये ड्रिल मशीन है, ठीक है दोस्तों। ये ड्रिल मशीन मेरा इंडक्टिव लोड है, तो इसको जैसे ऑन करूंगा तो इसमें देखूंगा किस तरीके से कंजप्शन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये इंडक्टिव लोड की बात कर रहा हूँ, तो ये ड्रिल मशीन में भी कोईल है, इस तरह की कोईल है, मतलब ये इंडक्टिव लोड है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इसमें, ये ड्रिल मशीन को मैंने इसमें कनेक्ट किया और स्विच को ऑन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही इस ड्रिल मशीन को ऑन करूंगा तो हमारा लाइट कितनी देर में ब्लिंकिंग करेगा, ठीक है, ये ध्यान देना आप। देखिए जैसे ड्रिल मशीन को ऑन करूंगा फिर देखिए कितनी देर में लाइट ब्लिंकिंग होगा। पांच सेकंड में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, देखिए दोस्तों, ध्यान देना है कितनी देर में ब्लिंकिंग हो रहा है। दोस्तों, जैसे ड्रिल मशीन को मैंने ऑन किया तो ये 5 सेकंड में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब इसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे वो मैं आपको बताऊं। दोस्तों, मेरे पास अभी इंडक्टिव लोड के तौर पे ड्रिल मशीन है, तो इसके द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपके घर में वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है या सीलिंग फैन है, दोस्तों यदि ये उपकरण आपके घर में है तो इसके द्वारा किस तरीके से मीटर को कंट्रोल करते हैं, यूनिट को कम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे ये ड्रिल मशीन को ऑन कर रहा हूँ तो 5 से 6 सेकंड में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है। तो दोस्तों, आप किस तरीके से मीटर को स्पीड को कंट्रोल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी मेरे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है दोस्तों, इसको मैं लगा के बताऊंगा कितनी देर में फिर लाइट ब्लिंकिंग होगा और ड्रिल मशीन को ऑन करूंगा, ठीक है दोस्तों। ये स्विच को ऑफ कर दिया और इस तरीके से मैंने स्विच में इसको लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैं ये स्विच में भी इसको लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। फिर ये ड्रिल मशीन को ऑन करूंगा, फिर देखेंगे कितनी देर में ये लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं ड्रिल मशीन को ऑन करता हूँ, ठीक है। अभी कैपेसिटर में भी पावर चले गया और ड्रिल मशीन में, जैसे स्विच को ऑन करूँगा इसको, फिर देखते हैं कितनी देर में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, ठीक है। पहले ड्रिल मशीन ऑन किया तो ये 5 सेकंड में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, आप देखेंगे कितनी देर में लाइट ब्लिंकिंग होगा, ठीक है। दोस्तों, अभी मैंने कैपेसिटर लगाने के बाद ड्रिल मशीन को ऑन किया तो इससे 9 सेकंड में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मीटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। देखिए, जैसे इस कैपेसिटर को निकाल लूँगा मैं, जैसे कैपेसिटर को निकालूंगा और ड्रिल मशीन को ऑन करूँगा, फिर देखेंगे कि कितनी देर में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये आप यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। जैसे ये ड्रिल मशीन को ऑन करूँगा मैं, फिर देखना ये लाइट कितनी देर में ब्लिंकिंग हो रहा है। तो आपने देखा कि ड्रिल मशीन बिना कैपेसिटर, ये कैपेसिटर नहीं लगाया है, तो उससे कैपेसिटर हटा दिया और ड्रिल मशीन को ऑन किया तो ये 4 से 5 सेकंड में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है। जैसे मैं कैपेसिटर को लगा रहा हूँ, ड्रिल मशीन को ऑन कर रहा हूँ, तो ये 8 से 9 सेकंड में लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है। इस तरीके से मीटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का इंडक्टिव लोड है, फ्रिज, कूलर या AC है, तो इस कैपेसिटर को लगा के इस मीटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना।